आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी दाल मखनी की रेसिपी देखी भी होगी और अपनी किचन में बनाई भी होगी। तो आज उसी दाल मखनी का हम एक प्रीमियम वर्जन बनाते हैं। ये दिल्ली के एक 5-स्टार रेस्टोरेंट की बहुत ही पॉपुलर डिश है। तो बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो है द वर्ल्ड फेमस दाल बुखारा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दाल बुखारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप साबित उड़द, 1/4 कप राजमा और 1 टेबलस्पून चने की दाल। इन सब दालों को मिक्स करके अच्छे से धोने के बाद मैंने करीब 6 से 8 घंटे के लिए भिगो लिया है। अब हम इस भीगी हुई दाल को प्रेशर कुक कर लेते हैं तब तक जब तक ये गल नहीं जाती। दाल के साथ हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 5 से 6 कलियां लहसुन की। अब हम इंतजार करते हैं दाल के गलने का। प्रेशर कुकर में 8 से 10 विसल्स निकल चुकी हैं और इसका प्रेशर भी ड्रॉप हो गया है। दाल अच्छे से गल चुकी होगी तो अब हम इसे चेक करते हैं। दाल अच्छे से गल चुकी है, अब हम बनाते हैं इसका तड़का। दाल बुखारा का तड़का बनाने के लिए हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं जिसमें जाएंगे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स: 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 मीडियम टमाटर और 3 मीडियम प्याज। अब इस मसाले को भूनने के लिए हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गरम कर लेंगे। अब इस गरम तेल में हम डालते हैं 2 तेज पत्ते, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 10 से 12 दाने काली मिर्ची के। जब ये मसाले तड़क जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। इस मसाले को तब तक भून लीजिए जब तक ये अपना तेल नहीं छोड़ देता। मसाले को भूनते भूनते करीब 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ सूखे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए और भून लीजिए। तड़का तैयार है, दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम इस तड़के को मिलाते हैं अपनी बॉईल दाल में। दाल और तड़के को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे तसल्ली से पका लीजिए लो हीट पे करीब 1/2 से 1.5 घंटे के लिए। दाल को पकते पकते करीब 1.25 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 और इंग्रेडिएंट्स:
फॉर दैट सिल्की एंड रिच टेक्सचर। ये है काजू का पेस्ट। इसमें है 10 से 12 काजू जिसे मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पीस लिया है। और 2 टेबलस्पून घर की मलाई या फ्रेश क्रीम। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी दाल को पका लीजिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर इस स्टेप पे आपको दाल का टेक्सचर थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। काजू के पेस्ट और फ्रेश क्रीम के साथ पकते हुए दाल को करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालिए 2 टेबलस्पून मक्खन और फिर हम इसे देंगे धुआं। धुआं देने के लिए एक कोयले के टुकड़े को अच्छे से जला लीजिए और फिर उसे ऐसे एक स्टील की कटोरी पे रख दीजिए। उस जलते हुए कोयले पे डालिए करीब 2 से 3 बूंदे घी की और फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। दाल बुखारा में धुआं लग चुका है। अब निकालते हैं इस कोयले की कटोरी को और करते हैं इस अमेजिंग सी डिश को सर्व। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।